अगला हमारा पॉइंट महत्वपूर्ण, जिसमें हम बोलते हैं आकस्मिक आय यानी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब क्या, जैसे कि इसका नाम है अचानक प्राप्त होने वाली आय, जो संयोग बस बिना उम्मीद के प्राप्त हो जाती है, जो कि बार बार नहीं मिलने वाली होती है लेकिन अचानक हमारे सामने आ जाती है और हमें मिल जाती है। ऐसी आय, ऐसी इनकम जो कि कैजुअल टाइप में होती है, अचानक प्राप्त होने वाली होती है, जैसे लॉटरी। लॉटरी में अचानक हमारा पैसा हमारे हाथ में नहीं आने वाला था लेकिन अचानक हम लॉटरी जीत गए और हमारे हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया। घुड़दौड़ से आए यानी हॉर्स रेस से इनकम हो गया। कोई हमने पजल खेल रहे थे, पजल से हमें अर्निंग हो गई, या कार्ड गेम की इनकम, या कोई शर्त लगा दिया, या रास्ते में पड़ा हुआ पर्स या बैग या थैला या सूटकेस मिल गया, या टीवी गेम या प्रतियोगिता में बोली जाने वाली जो अमाउंट होता है उसमें अगर हमने कोई कंपटीशन जीत लिया है उसमें, अगर इस प्रकार के तमाम एग्जाम्पल हैं इस चीज के जिसमें हम कैजुअल इनकम प्राप्त करते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो इनकम होती है ये पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। आकस्मिक आय यानी जो कैजुअल इनकम होती है इसमें 30% की दर से टैक्स लगाया जाता है। ऐसी इनकम के संबंध में न तो कोई लॉस एडजस्ट किया जाता है और न ही कोई कैजुअल इनकम यानी आकस्मिक आय को प्राप्त करने के संबंध में अगर किसी प्रकार के खर्चे की कटौती की अगर मांग की जाती है तो वह कटौती स्वीकृत नहीं होती है, क्योंकि यह आपके रोजमर्रा के बिजनेस का हिस्सा नहीं होता है, ये अचानक होता है। इस प्रकार से अगर मान लो हमें लॉटरी की इनकम हुई और लॉटरी के टिकट खरीदने में 500 रुपए खर्च हो गए तो 500 रुपए की छूट नहीं मिलेगी, लेकिन जो इनकम हुई है उस पर टैक्स जरूर लगेगा, क्योंकि ये तमाम जो कैजुअल इनकम हमें प्राप्त होता है ये आकस्मिक आय होती है, यह बिजनेस का या काम करने का एक हिस्सा नहीं होता है। इस प्रकार से अब हम अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं और हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नंबर 7, टैक्स प्लानिंग, जिसे हम बोलते हैं कर नियोजन। कर नियोजन जिस प्रकार से हम प्लान का मतलब ही होता है योजना बनाना। जब हम कर नियोजन का काम यानी कि आयकर संबंधी नियमों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आय को इस प्रकार नियोजित करते हैं यानी इस प्रकार से प्लान करते हैं कि कम से कम आयकर का दायित्व यानी लायबिलिटी हमारे ऊपर उत्पन्न हो और कम से कम इनकम टैक्स का भुगतान हमें करना पड़े, तो ऐसा करने के लिए हमें आयकर के नियमों का अध्ययन करना पड़ेगा और उनमें उपलब्ध यानी जितनी हमारे पास अध्ययन करते समय हमें छूट मिलेगी, राहत मिलेगा और हमें जितनी प्रकार की वहां पर जानकारी मिलेगी, उन सभी का अध्ययन करने के बाद जब हम उसका लाभ उठाएंगे तो इसी को ही प्रभावपूर्ण कर नियोजन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमने टैक्स तो लगाने का हिसाब किताब लगाया परंतु एक प्लानिंग के तहत लगाया जिसमें हमने अनावश्यक रूप से आलतू फालतू चीजों पर ध्यान न दे करके नियम उपनियम तौर तरीकों का इस्तेमाल किया और हमने बहुत सारा टैक्स बचा लिया। इसमें इलीगल कोई काम नहीं होना चाहिए बल्कि नियम के मुताबिक जहां पर डिडक्शन लेना है वहां पर डिडक्शन लीजिए, जहां पर डिडक्शन नहीं मिल रहा है जबरदस्ती मत लीजिए, और जहां पर लग रहा है कि यहां पर ये नियम यह धारा के हिसाब से हमें ईमानदारी के साथ छूट मिल रही है, यहाँ पर हमें रिबेट मिल रहा है, तो उसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं और इस प्रकार से अपने कर के जो दायित्व है को कर की जो टैक्स की लायबिलिटी है उसको मिनिमम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कर नियोजन सरकार की नीतियों के अनुसार ईमानदारी से काम करते हुए छूट का और टैक्स के जो प्रेरणा बनाई गई है उसका लाभ उठाते हुए यानी जो उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, जो उन्होंने रिबेट वगैरह दिए हुए हैं उसको बाकायदे पालन करते हुए हमने अपने कर दायित्व को यानी टैक्स लायबिलिटी को कम से कम करने का एक वैधानिक तरीका यानी लीगल जो रूल मतलब लीगल हमने जो तौर तरीके अपनाए हैं उसको ही हम यहाँ पर कर नियोजन कहेंगे। तो कर नियोजन में आपने आसानी से समझ लिया कि रूल रेगुलेशन का पालन करके ही हम इसको आसानी से हम टैक्स से बच सकते हैं और मैक्सिमम टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं।
अगला है हमारा पॉइंट टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है, इसको हिंदी में कर बचाओ कहते हैं। कर बचाओ यानी को कर को बचाइए यानी टैक्स को बचाइए। तो कर बचाना एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक करदाता यानी एक टैक्स पेयर एक असेसी अपने आय और व्यय और जो विनियोग करता है उसकी एक ऐसी व्यवस्था करता है जिससे बिना कर कानून का उल्लंघन किए हुए यानी टैक्स के रूल रेगुलेशन का उल्लंघन किए बगैर और सभी कमियों और कमजोरियों का लाभ लेता है और अपने टैक्स लायबिलिटी को कम से कम कर लेता है। इस प्रकार से उसने टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचा लिया है। तो कानूनी प्रावधान के हिसाब से यदि उस बंदे ने यानी उस व्यक्ति ने उस कानून के हिसाब से तमाम कानूनी उपाय को अपना करके नजरअंदाज करके नहीं अपना करके अगर उसने टैक्स लायबिलिटी को कम कर लिया है और उसमें इस कम को मतलब टैक्स के लायबिलिटी को कम करने के लिए किसी भी इलीगल तरीके को नहीं अपनाया है तो वह कहा जाएगा कि उसने टैक्स अवॉइडेंस किया है। अर्थात कर बचाव जो होता है वह कर के प्रावधानों के जो अंदर कमियां होती हैं उसकी वजह से किया जाता है, क्योंकि जब कोई चीज पॉजिटिव में बनाया जाता है तो उसका कुछ पार्ट नेगेटिव जरूर होता है। जहां पर सरकार ने बहुत हाई फाई रेट टैक्स के बनाए हुए हैं वहीं पर उसमें रिबेट कटौतियां छूट राहत भी दिया है, तो इन सभी चीजों का जो कोई गहन अध्ययन कर लेता है तो उसको यह रिबेट और यह कटौतियां बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और कर बचाव एक अनैतिक व अवैधानिक नहीं है, इसको इलीगल नहीं कहा जाता बल्कि करदाता को इसमें दंडित भी नहीं किया जाता है और करदाता क्योंकि इसमें सभी चीजों का पालन करता है इसलिए कर बचाव की वजह से सरकारी कर राजस्व में कमी आती है जिससे आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है, परंतु इसमें अगर कर वाले नियम उपनियम में अगर कोई कमी है और उसकी नॉलेज किसी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को हो जाती है तो वह आराम से उस नियम का उल्लंघन किए बिना अपने टैक्स की लायबिलिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम कर सकता है और वह टैक्स को बचा सकता है। टैक्स बचाव इसीलिए इसका नाम कर बचाव या टैक्स अवॉइडेंस कहा गया है। अगला पॉइंट है अनुलाभ क्या होता है, जिसे हम परक्यूजिट्स कहते हैं। परक्यूजिट क्या होता है, परक्यूजिट एक प्रकार से सुविधा को कहा जाता है या एक ऐसा लाभ होता है जो किसी कर्मचारी को अपने मालिक से वेतन के अलावा यानी उसको सैलरी तो मिल ही रही होती है लेकिन सैलरी के अलावा भी उसको ऐसी वस्तु या सेवा सुविधा के रूप में प्राप्त हो जाती है जिसका मुद्रा में यानी जिसका रुपए पैसे में मूल्यांकन किया जा सकता है। आयकर के दृष्टिकोण से यानी अगर इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो नगद मिलने वाले लाभों को भत्ता या वेतन के स्थान पर लाभ कहा जाता है यानी बेनिफिट कहा जाता है। ऐसी सुविधाएं और लाभ जो मालिक देता है अपने कर्मचारियों को अपनी इच्छा से देता है या किसी अनुबंध के अनुसार मतलब आपस में उनके और कर्मचारी के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो गया है उस एग्रीमेंट के तहत वह मालिक यानी वह ऑनर अपने स्टाफ को दे रहा है तो स्टाफ के लिए इस प्रकार की सुविधा जो सैलरी के अलावा भी दी जा रही होती है उसको अनुलाभ कहते हैं। इसमें यह भत्ते के रूप में या अन्य प्रकार के लाभ के रूप में मिल सकता है, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा मिल गई, हॉस्टल के पैसे मिल गए, बच्चा विदेश पढ़ रहा है तो उसके मालिक ने उसको एजुकेशन की सुविधा दे दी, खर्च वर्च करने के लिए पैसे दे दिए, गैस बिजली पानी का खर्चा दे दिया, माली वगैरह अपॉइंट कर दिए उनके मकान के लिए, उनको फ्री फंड में मकान रहने के लिए दे दिया गया। इस प्रकार से जो फैसिलिटियां यानी जो सेवाएं सुविधाएं किसी भी कर्मचारी को अपने मालिक की ओर से अपने स्वामी की ओर से किसी फैक्ट्री में मिलता है तो यहाँ पर वह परक्यूजिट्स के दायरे में आता है जिसको हम अनुलाभ कहते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आप भी जान गए होंगे आखिर ये अनुलाभ क्या है। वेतन के अतिरिक्त जो भी धनराशि
किसी भी कर्मचारी को अपने स्वामी से अनुलाभ के रूप में मिल रहा है, यानी उसकी सुविधा सेवा के लिए मिल रहा है, तो उसको अनुलाभ कहा जाता है।